Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. जो ओबीसी सर मैं खाली इतनी बोलता मत करना सर आप चलो रखना मैं बोलना चाहता हूँ ओबीसी की मास्टर ओबीसी एक गलिया कुत्ता है ओबीसी एक गले कुत्ता है वो नेता नहीं है अगर नेता होता तो हिंदू मुसलमान से ईसाई सबको लेके चलता मुसलमान का मतलब होता है जो गाली नहीं देता है मुसलमान का मतलब होता है जो सबको लेके वो चलता है मुसलमान का ये मतलब होता है जिनकी जबान साफ है जिनके हाथ में अच्छा काम करता है उसको बोलते सच्चा मुसलमान वो मुसलमान नहीं है मुसलमान के साथ में एक अलग है वो बेसिकली पाकिस्तान में जो घूमते रहता ना वो मुसलमान है ओबीसी और अकबरुद्दीन ओबीसी और अपना आसाउद्दीन ये दोनों जो भाई है ना ये हमारे गले कुत्ता है और इस कुत्ते को एक ही आदमी सही करेगा वो है बॉम्बे का कल्याण जी जाना ये कुछ नहीं है कोई नेता नहीं है मैं खाली इतना ही बोलता हूँ बीजेपी का पार्टी का जो राजा है ना राजा मोदी साहब अगर वो चाहे ना एक सेकंड में उसको जेल भेज सकता है वो कौन है ओबीसी है कौन वो ओबीसी हैदराबाद में कुत्ते की तरह चिल्लाते रहता है वो है कौन ओबीसी को खाली इतना ही बोलना चाहता हूँ अगर है दम तेरे में डिबेट करना है मैं गरीब आदमी हूँ चार तक पढ़ा हूँ तो बाहर पढ़ के आया है डिबेट करना है तो मुंबई में आ जा डिबेट कर तू मेरे साथ अगर है दम तेरे अंदर दोनों भाई हमारे हिंदुस्तान का बेसिकली वो पाकिस्तान का चमचा है वो नेता नहीं है नेता वो होता है जो सबको लेके चलता है मुसलमान वो होता है जो सबको लेके चलता है मेरी एक फिल्म आ रहा है फिल्म का नाम है आई लव यू द रियल लव स्टोरी यूपी जिसमें मैं मुसलमान बना हूँ एक हिंदू लड़का पहली बार मुसलमान बना है एक हिंदू बना है हमने ये दिखाया जो मुसलमान का मतलब क्या होता है पांच टाइम जो नमाज पढ़ते हैं उस नमाज के बाद क्या करके नमाज पढ़ना चाहिए वो हम दिखा है जो भाईजान ने बोला है पूरी कुरान पढ़ने के बाद तब मालूम पड़ता है हर एक लफ्ज क्या है कुरान के अंदर तुमने एक लफ्ज पढ़ लिया तुम बोले मैं मुसलमान हूँ अरे मुसलमान वो होता है जो पूरा कुरान पढ़ते हैं मुसलमान वो होता है जिनके अंदर ईमान होता है मुसलमान वो होता है जो सबको लेके चलता है मुसलमान वो होता है जिनके जवान पे गाली नहीं होता जी मुसलमान वो होता है जिनके दिल साफ होता है ईमान साफ होता है तुम काय का मुसलमान हो ओबीसी सल्लुखा पार्टी चलाते हो इमाम पार्टी तुम्हारा तो पार्टी का कोई रूप रेखा नहीं है है रूपरेखा उसका रूपरेखा तो हम लोग ने दिया है जनता ने दिया है तो तुम्हारा औकात सिर्फ हैदराबाद तक है तुम्हारा औकात सिर्फ वहां तक सीमित है अगर है दम तो आ तू मुंबई में तेरे साथ पंगा लेंगे कल्याण जाना गरीबों का एक्टर है दम ओबीसी वादर और अकबरुद्दीन ओबीसी वजर ये जो भाई है ना मेरा ये एक ऐसे इंसान है या ऐसे मुसलमान है जो ऐसे मुसलमान अगर सब बन जाए ना तो किसी मुसलमान को ये नहीं बोलेगा जो हिंदुस्तान को चला जाए क्यों जाए हिंदुस्तान से मुसलमान जितना हिंदू का हक है उतना मुसलमान का हक है मैं चाहता हूँ राम मंदिर नहीं बने राम मंदिर के बाजू में एक मस्जिद बने क्यों दोनों साथ जाए मंदिर भी जाए मस्जिद भी जाए मैं चाहता हूँ वहां पे दोनों हो जाए लफड़ा ना हो दोनों भाई एक साथ चले जहां पे बाबरा मस्जिद बेसिकली बहुत बड़ा वहां का हिस्सा है लेकिन मैं चाहता हूँ अगर वहां पे राम मंदिर था उसके तोड़ के बाबरा मस्जिद बनाया गया था लेकिन मैं चाहता हूँ अभी की जो युवा पीढ़ी है 99% मुसलमान क्या कहता है नहीं वहां पे मस्जिद था नहीं वहां पे मंदिर था राम मंदिर मैं चाहता हूँ दोनों भाई एक साथ मिल के चले इसीलिए उस जगह पे राम मंदिर भी हो और वहां पे बाबरा मस्जिद भी हो मैं चाहता हूँ हिंदू मंदिर जाए मस्जिद जाए और एक मुसलमान हिंदू जाए और मस्जिद जाए ये एक पैगाम जाएगा पूरी वर्ल्ड में जो हिंदुस्तान में दोनों भाई एक साथ रहता है और ये आरएसएस वालों को मैं इतना ही कहता हूँ वो मेरा भाई है लेकिन मैं चाहता हूँ आगरा में नहीं अयोध्या में राम मंदिर और बाबरा मस्जिद दोनों एक साथ हुए आधा में मंदिर और आधा में मस्जिद बने दोनों भाई एक साथ वहां पे नमाज पढ़े वहां पे पूजा पाठ करे सब एक साथ हो एक साथ रहे एक साथ
अरे हम तो सबसे इंसान है, अगर हम मुसलमान हिंदू सिख ईसाई तो सबका मुंह ऐसा होता ऐसा, अगर हिंदू है तो हिंदू का मुंह ऐसा होता, मुसलमान है तो नाक ऐसा होता, अगर वो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन का गाल ऐसा होता, लेकिन सबका फेस ऐसा है। सिर्फ हमें यहाँ बनाया गया है, तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू सिख ईसाई है, ये हमें बनाया गया। अरे हम तो है सिर्फ इंसान, इसलिए हम सब एक जैसा है और खून भी एक है लाल, और सबका दिमाग भी एक है, लेकिन सिर्फ अलग अलग दिमाग इसलिए है क्योंकि दिल अलग है। तो मैं चाहता हूँ सोच अलग है, मैं चाहता हूँ सब मिलकर रहे ये हिंदुस्तान में, जितना हिंदुओं का हक है उतना मुसलमान का हक होना चाहिए, उतना नारियों के भी हक होना चाहिए। और मेरा जो आज जो